तहलका, ये उस सवाल का जवाब है जो आज हर हिंदुस्तानी के दिल में उठ रहा है, मगर इसकी कहानी, पात्र, घटनाएं व स्थान सभी काल्पनिक हैं, जिनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध या समानता महज एक इत्तेफाक होगा। खूबसूरत वादी, ये बर्फ से ढके पहाड़ सरहद है उस मुल्क की जिसे दुनिया वाले हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, और इनके उस पार से शुरू होती हैं उन मुल्कों की सरहदें जिनकी हवस की हद अपनी सरहदों से निकलकर हिंदुस्तान की हदों में घुसने की कोशिश कर रही है, ताकि हिंदुस्तानियों के ही खून से हिंदुस्तान की सरजमीन को लहू लुहान करके हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सके। ऐसा ही एक मुल्क है डोंगरीला, जिसे कभी हिंदुस्तान ने आबाद किया था, सजाया संवारा था, लेकिन आज इसका तानाशाह जनरल डोंग हिंदुस्तान का दुश्मन बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले इसने हमारे देश के साथ फिर से अपनी पुरानी दुश्मनी ताजा करने के लिए हमारे यहाँ 2000 ट्रेंड घुसपैठियों का एक जत्था भेजा था, मगर इससे पहले कि वो हिंदुस्तान की धरती पर अपने नापाक कदम भी रख पाते, हिंदुस्तान की फौजों ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन उन घुसपैठियों का कमांडर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया, और इस वक्त वो अपने मुल्क डोंगरीला वापस लौट रहा है। आप मौत के मुंह से सही सलामत वापस आ गए। जनरल डोंग आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कीजिए, आप पहले ही 30 सेकंड लेट हैं। बम चेक बम बम लॉन्ग लिफ्ट डोंग, कैसे हो चालू? फाइन थैंक यू सर। हरी अप सर, यू ऑलरेडी 40 सेकंड्स लेट। 40 सेकंड, चलो। मिस्टर डिकॉस्टा, यू आर एक्सट्रीमली लकी। आपने दूसरी बार अपनी जान बचा ली। दूसरी बार? क्योंकि आप सिर्फ 59 सेकंड लेट हैं। अगर 1 सेकंड और लेट होते तो हमें आपको गोली मारने का ऑर्डर था। आई अंडरस्टैंड। एनीवे, यू कैन रिलैक्स नाउ। जनरल डोंग इज वेटिंग फॉर यू इन रंगशाला।
देखो हमने तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें बनवाई है। तुम्हें हिंदुस्तान का पानी पीकर वहां के खाने की आदत पड़ गई होगी ना। देखो हमने तुम्हारे लिए हिंदुस्तानी चीजें बनवाई हैं। ये देखो पूरी, ये देखो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, लड्डू, इमरती कहाँ है? इमरती कहाँ है? गई। देखा इमृति, yes, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी इमृति बनवाई है। बैठो। मैं सर? बैठो बैठो बैठो। वाह क्या क्या हुआ जनरल। जैसे ही हम लोग कश्मीर में घुसे तो इंडियन आर्मी ने हमें घेर लिया और जनरल सिन्हा के ऑर्डर्स पर सबको गोली मार दी गई। जनरल सिन्हा के ऑर्डर पर सबको गोली मार दी गई। सर हम एक एक आदमी को कितनी मुश्किल से तैयार करते हैं और जनरल सिन्हा के ऑर्डर पर एक ही झटके में सबको गोली मार दी गई। लेकिन जनरल जो टॉप सीक्रेट फाइल में लेने गया था जिसमें हमारे इंडियन एजेंट्स के नाम और पते हैं वो मैंने उनके हाथ नहीं पड़ने दी। टॉप सीक्रेट फाइल। इस काम के लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, प्रमोशन। प्रमोशन तुम्हें डोंगरीला सीक्रेट फोर्स के चीफ से डिसमिस किया जाता है। और तुम्हें यहाँ का होम मिनिस्टर बना दिया जाता है। होम मिनिस्टर सर? होम मिनिस्टर सैल्यूट। थैंक यू जनरल, थैंक यू वेरी मच। अरे हम तो भूल ही गए थे, खाना, तुम्हारे लिए खाना इंतजार कर रहा है। खाओ 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 खाओ। रुक जाओ रुक जाओ। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप होने वाला था। ये खाना तुम्हारे लिए नहीं, ये खाना ब्राह्मणों के लिए है। हाँ 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 हाँ। आज तुम्हारा श्राद्ध है ना? श्राद्ध, लोग तो मरने के बाद श्राद्ध मनाते हैं ना? हम तुम्हारा श्राद्ध मरने से एक दिन पहले मना रहे हैं। जनरल मैं शोम 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 मिस्टर डिकॉस्टा, कल डोंगविला का आर्मी डे है, उस मौके पर तुम सबके सामने खुदकुशी करोगे। लॉन्ग लिव डोंग।
रॉन्ग कभी रॉन्ग नहीं होता। या तो उस सिपाही का हक है जो डोंगरी लगा ऑनर बढ़ाए, या फिर उस सिपाही का जो डोंगरी लगी शान में उसके ऑनर में अपनी जान दे दे। आई गिव माई लाइफ नॉट फॉर द किंग बट फॉर द ऑनर ऑफ डोंगरीला। एक सिपाही का धर्म भूल गया था, उसकी आंखों में हमारे लिए नफरत थी, लेकिन हम जनरल डोंग हैं, हम अपना धर्म नहीं भूलेंगे, अपने सिपाही की बेवा की इज्जत करेंगे, तुम्हारे पति की मौत का बदला लेंगे। हम हिंदुस्तान के जनरल सिन्हा को यह पैगाम भेज दिया जाए। तो डोंग ने हमें पैगाम भेजा है कि आर्मी का एनुअल डे हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जरा पढ़िए फिर से। मिस्टर आयंगर, जनरल सिन्हा, तुम अगर चाहते तो मेरे उन 2000 कमांडो को गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने नेशनल हीरो बनने के लिए उन्हें गोलियों से भुनवा दिया, इसलिए अब मैं डोंगरीला के लीडर की हैसियत से अपने उन 2000 सिपाहियों को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद आ रहा हूं। खुद तुम्हें तुम्हारे तमाम सिपाहियों के बीच तुम्हारे एनुअल डे पर तुम्हें खत्म करने के लिए ठीक 8:30 बजे। नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। सर जनरल, मेरी राय यह है कि मैं डोंग की धमकी से डर जाऊं और एनुअल डे परेड पे ना जाऊं और इस देश की पुरानी परंपरा को तोड़ दूं। सर, डोंग की धमकी से आपकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे देश की इज्जत दांव पर लगी है। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या एक और कत्ल हो जाएगा, लेकिन इस बार शायद ये देश और इस देश के 80 करोड़ लोग नींद से जाग उठे। सर, शायद इस बार तहलके का जवाब तहलके के साथ दिया जा सके। मैं परेड पे जाऊंगा। सर, हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता।
रॉन्ग तो तुम हो गए हो। मैं असली नहीं नकली डोंग हूं, असली तो वो रहा। असली डोंग तो मैं भी नहीं हूं। तो फिर असली कहां है? देखो डोंग के जाल में फंस गए ना। बड़े बेवकूफ हैं आप लोग, खामखा इधर उधर भटक रहे हैं। असली डोंग तो परेड ग्राउंड में है। वेलकम होम। अमेरिका में 11 महीने रहने के बाद भी नो चेंज, लुकिंग सेम, फ्रेश एज एवर। बदलने वाली हम चीज नहीं, अरे हम मर्द हैं कोई कमीज नहीं। कृष्णा माय बॉय, कम इन, मीट आवर डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर एंगर। मिस्टर एंगर, दिस इज मेजर कृष्णा राव, द वन एंड ओनली। यस यस, इन्हें कौन नहीं जानता, परमवीर चक्र विजेता कृष्णा राव। That's right. How are you, my boy? सब ठीक तो है ना? What is the urgency कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे? सर, मैंने सुना है कि डोंग और उसके साथियों को खत्म करने के लिए आप डोंगरीला एक मिशन भेज रहे हैं। Yes, that is right. Well, डिप्लोमेटिक एंगल्स की वजह से हम डोंगरीला पर अटैक नहीं कर सकते, और फिर वहां की पॉपुलेशन में काफी तादाद में इंडियंस भी हैं। चंद लोगों को मारने के लिए हम हजारों हिंदुस्तानी भाइयों को नहीं मार सकते, लेकिन फिर भी जनरल सिन्हा की मौत का बदला तो लेना ही है। सर, तो फिर इस मिशन का चार्ज मुझे दे दिया जाए। सेंस की बात करो कृष्णा राव, तुम्हें किसी भी कीमत पर यह जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। एंड यू नो इट, तुम्हारा ट्रांसफर किया गया पीस सेंटर पर। गो एंड टेक चार्ज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जनरल डोंग की मौत मेरी जिंदगी का मकसद है। पिछले 11 महीनों में अमेरिका में रहकर अगर मैंने कुछ सोचा है तो सिर्फ यही सोचा है कि डोंगरीला कैसे पहुंचूं। आज मेरे पास सिर्फ एक महीना रह गया है। आई नो, आई अंडरस्टैंड माई बॉय, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। आई कांट गिव यू दिस परमिशन। नो प्लीज सर, आपने ये सारे मेडल्स जो मेरे कामों के बदले में मेरे सीने पे लगाए हैं, आज मैं इन्हीं सारे मेडल्स के बदले में आपसे सिर्फ ये परमिशन मांग रहा हूं सर। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जनरल डोंग और उसके साथियों की मौत की खबर डोंगरीला से आएगी। मेजर कृष्ण राव वापस आए या ना आए। यू आर वेस्टिंग माई टाइम कृष्णा राव, वी हैव टू गो टू अवर कॉन्फ्रेंस, प्लीज एक्सक्यूज मी। एंड यू ऑल्सो एक्सक्यूज मी सर।
ये न सोचिए कि कृष्ण राव इतना कमजोर है कि आपकी मदद के बिना डोंगरीला नहीं जा सकता। कृष्ण राव यहां से इस्तीफा देकर अपने दम पर आपके मिशन भेजने से पहले डोंगरीला जा भी सकता है और डॉन को खत्म भी कर सकता है। यदि ऐसा हुआ ना सर, तो डॉन के साथ एक बार फिर मरेगा हिंदुस्तानी सिपाहियों का गौरव। इसलिए ये परमिशन दे दीजिए सर, परमिशन दे दीजिए। डॉन ने एक हिंदुस्तानी सेना के जनरल का कत्ल किया है, इसलिए उसकी मौत किसी कृष्ण राव के हाथों नहीं, एक हिंदुस्तानी सिपाही के हाथों होनी चाहिए। बट अपने मतलब के वास्ते हमने आसमानों से कुछ नहीं मांगा, हमने गुलशन की खैर मांगी है, कोई तख्त तो ताज नहीं मांगा। दिस इज माई प्लान सर। सो यू हैव अ टीम ऑल्सो? यस सर, उनमें से एक है तिब्बतन बॉर्डर फोर्स की हिमालयन रेंज एक्सपर्ट ब्लैक कैट कमांडो अंजु सिन्हा, और बाकी तीन आर्मी इंटेलिजेंस के हैं। Who are they? इससे पहले कि मेजर कृष्ण राव का बुलावा आ जाए, गंगा स्नान कर ही लिया जाए। अरे गंगा क्या, मैं तो जमुना में भी स्नान करने को तैयार हूँ। अगर भाई ये टाइम तो सिर्फ लड़कियों का टाइम है ना। अबे खंडे भाई मिया, इसका इलाज तो मेरे पास है, बल्ले बल्ले ते बाव बाव। आइलो आइलो, अबे खंडे छोरिया। आइला आइला, हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आर यू फ्रॉम स्विट्जरलैंड? नो, आई एम फ्रॉम मड आइलैंड। ओह मड आइलैंड, सुनिए यहाँ लड़के तो नहीं आते ना? लड़के? पता है मुझे लड़कों से बड़ा डर लगता है। डर? हाँ यार, यू नो अंकल बड़े गुंडा टाइप होते हैं ना लड़के, यू नो गुंडा। अरे जानी, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, लड़के बहुत अच्छे होते हैं, तुम उनसे रोज मिला करो। ओह रियली, हाउ स्वीट, हाउ इंटरेस्टिंग। अब हम जाएं? हाँ हाँ, जाओ जाओ। हाय गर्ल्स, हाय एवरीबॉडी, यस यस, इसलिए तो हम आए हैं। ओह यस, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, कहीं मैं डूब गई तो कुंवारी मर जाऊंगी। कोई बात नहीं, हम तुम्हें डूबने नहीं देंगे। कम ऑन नाउ, हियर आई कम। आउच, बल्ले बल्ले ते हुआ हुआ हूँ, क्या बेडशीट है, व्हाट अ क्वांटिटी। ए, ये अचानक तेरी आंखों को क्या हो गया? गर्मी गर्मी। स्वीट, सचमुच मुझे हीरो मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? प्रेमियों के मौसम विभाग की भविष्यवाणी है। हाँ। आज मौसम रंगीला होगा, रिमझिम सावन होगा, जो लड़की लवर्स पार्क में अकेली जाएगी उसको वहाँ उसका हीरो मिल जाएगा। तू जाएगी? हाँ, लेकिन मैं उसे बोलूंगी क्या? तू नहीं बोलेगी, वो बोलेगा। क्या? आइला 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 आइला।
छतरी के नीचे, ओ मेरे छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे रे कमला खड़े खड़े, मेरी छतरी के नीचे आ जा, मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे रे बिमला खड़े खड़े, ओ मेरी छतरी के नीचे आ जा, मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे रे सलमा खड़े खड़े, टाऊ 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 टाऊ, अरे आ जा, अरे आ जा, दिल में समा जा, क्या सोचे है तू घड़ी घड़ी, मेरी छतरी के नीचे आ जा, ओ मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे रे कमला, क्यों भीगे रे बिमला, क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी, के नीचे आ जा, ओ मेरे छतर के नीचे आ जा, क्यों भीगे रे कमला, क्यों भीगे रे बिमला, क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी, ए बाबा सुबह का वक्त है, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भैया दो पैसे हमको दे दे, पांच पैसे हमसे ले ले, अरे लेने देने का चक्कर है बाबा, हे बीवी तू भी कुछ हमको दे दे, अरे दे दे ले ले दे दे ले दे, अंधों को अंधों को भिक्षा दे दे, तेरी दौलत तो है बड़ी बड़ी, मेरी छतर के नीचे आ जा, क्यों भीगे रे कमला खड़े खड़े, I can't.
अरे भैया कब तक यूं ही कागज रंगते रहोगे, कभी आपकी टोपी कभी आपका चश्मा करते करते। कंडे भाई मियाँ कसम उड़ान छल्ले की, अल्लाह मियाँ ने आपके लिए ऐसी लड़की अभी तक बनाई नहीं, ये सब रहने। अरे नहीं यारो, जब ऊपर वाले ने तसव्वुर दिया है तो देखना एक दिन फूलों के बीच फूलों जैसा खिला हुआ बसंत भी हमें मिलेगा। अल्लाह न करे। अबे चंडू थोबड़ा अच्छा नहीं है तो बातें तो अच्छी किया कर। बात अच्छी हो या ना हो लेकिन सच्ची जरूर है, मुझे तो आपका ये मिशन पूरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। क्या बोल रहा है? गुस्ताखी माँ बो हुजूर, आप मेजर राव के साथ खुफिया मिशन पे डोंगरीला जा रहे हैं ना? मगर जा नहीं सकेंगे सर। क्यों? डोंगरीला जाने वालों, अब तुम जाओगे मौत लीला। गोलियां तो बहुत चला ली, अब जरा जबान भी चला लो। किसने भेजा तुम्हें? है हमने। I love। ललकार रही है भैया। आप लोग डोंगिला मिशन पर जाने के काबिल हैं भी या नहीं, इसीलिए जनरल कपूर के हुक्म से हम आप लोगों का इम्तिहान लेने आए। यार वो बुड्ढा इतना भी नहीं समझता कि नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, नॉर्थ के पास साउथ, साउथ के पास नॉर्थ, मेल के पास फीमेल भेज देने से गड़बड़ हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाने का खतरा होता है। मतलब? अरे मतलब मैं समझाता हूँ। अरे मतलब ये के ये हमारे भ्राताश्री और ये हमारे मुन्नाश्री और हम है आपके हम उम्र। और आजकल इनका सीजन चल रहा है। सीजन? व्हाट यू मीन? सीजन जब चलता है तो मेरे अंदर गर्मी बढ़ जाती है और जब गर्मी बढ़ जाती है तो मुझे अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है और जब अच्छी अच्छी खुशबू आती है तो मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो मेरी आंखों की फड़कन बढ़ जाती है और जब आंखों की फड़कन बढ़ जाती है तो मेरा दिल पप्पी लेने को करता है। अब एक इंच भी आगे बढ़े तो मेरे पप्पी के पप्पू तुम्हारी रीजन, तुम्हारी डेथ का रीजन बन जाएगा। आई एम ब्लैक कैट कमांडो फ्रॉम टिबेटन फोर्स, कैप्टन अंजू सिन्हा। और मैं अल्लाह रखा कपूर साहब का अर्दली। ओके नाउ मूव मिस्टर कपूर एंड मिस्टर राव वेटिंग फॉर। अरे अरे जाति का है, मेरी पप्पी का क्या होगा? भैया आ बाद में ले लेना खड़का के। अल्लाह ना करे। हेलो डोंगरीला परिश्का, सी आई सी गुड वेरी गुड शाबाश शाबाश फिनिटो फिनिश। कैप्टन चौहान करेज, कैप्टन राकेश डिटर्मिनेशन, कैप्टन जावेद इंटेलिजेंस, कैप्टन अंजू सिन्हा स्ट्रेटजी, वेरी गुड मेजर राव। You have a perfect team. And thanks to Defense Secretary Iyengar, you have the permission of the ministry also. Lekin, this permission ka matlab sirf itna hai ki agar tumhara mission kamyab hua, to ye Hindustani sarkar ki, ye Hindustani janta ki, ye Hindustan ki sena ki jeet hogi.
और अगर तुम्हारा मिशन नाकामयाब हुआ तो ये तुम्हारी 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 और तुम्हारी हार होगी और इससे सरकार का कोई वास्ता नहीं होगा। अंडरस्टैंड? डोंगरीला के एनुअल डे फंक्शन पर डोंग को रॉन्ग साबित करने के लिए हिंदुस्तान से फोर्स 5 आ रही है। डोंगरीला के सारे बॉर्डर्स अच्छी तरह से सील कर दिए जाए और एयरपोर्ट्स पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। प्लीज सिट डाउन। मुझे हर हालत में 50,000 घुसपैठिए और 5,000 ह्यूमन बॉम्ब बर्फ पिघलने के बाद हिंदुस्तान भेजने हैं, इसलिए उनकी ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाए। एक्सक्यूज मी जनरल। यस, ये ह्यूमन बॉम्ब क्या चीज है? अभी दिखाते हैं कर्नल जैट। जनरल डोंग तुम्हारा भगवान है, उसकी आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है, उसका हुक्म तुम्हारा धर्म है। जनरल डोंग तुम्हारा भगवान है, उसकी आवाज दुनिया भर के देशों से पकड़ कर लाई गई इन लड़कियों को यहां हिप्नोटाइज किया जाता है। जब कभी डोंग का कोई हुक्म इनके कानों में पड़ता है तो एक मशीन की तरह उस पर अमल करती हैं ये। देखो, नंबर ट्वेल्व सामने आओ। अब उस प्लेटफॉर्म पर जाओ। शाबाश। उस बॉम्ब वाली बेल्ट को अपनी कमर के साथ बांधो। अब बेल्ट के सामने वाला बटन दबाओ। जनरल डोंग तुम्हारा भगवान है, यही है मेरे ह्यूमन बॉम्ब। यह हिमालयन रेंज का वो हिस्सा है जहां हमारे देश का बॉर्डर खत्म होता है। यहां पर है चाइना और यह है पाकिस्तान और यह है डेंजर वैली, नो मैन्स लैंड। यू मीन माउंट जिंजिया? राइट। और इसके ऊपर यहां बसा हुआ है डोंगरीला। दैट मींस हम सबको पैराशूट के जरिए माउंट जिंजिया पर उतरना होगा। नो, दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। माउंट जिंजिया पर लगे हुए तोपों और राडार से हमारे प्लेन्स नहीं बच सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है माउंटेन ट्रैकिंग का। हम यहां से ट्रैकिंग करते हुए जाएं। बट सर, दिस इज इम्पॉसिबल। ये नामुमकिन है। वैली के तमाम दर्रे इन दिनों में बर्फ से ढके हुए होते हैं और वैली के आधे से ज्यादा हिस्सों में सूरज की रोशनी तक नहीं आती। राइट सर। ओके, डोंट गेट पैनिकी। इसका भी इंतजाम है हमारे पास। वहां हमें रोशनी देने वाला एक आदमी होगा जो अंधेरों में भी देख सकता है और बर्फ में भी रास्ते निकाल सकता है। Who's that? The Lion of Himalayas, Major Dharam Singh. Major Dharam Singh? वही बदनाम मेजर धर्म सिंह जिसे कोर्ट मार्शल करके फौज से निकाला गया था? Yes. You're asking for the impossible, sir. मेजर धर्म सिंह हमारे लिए हरगिज काम नहीं करेगा। वो हिंदुस्तानी सेना से नफरत करता है। उसकी नफरत को प्यार में बदलो। ये मुमकिन नहीं है सर, उसे बड़ा जलील करके निकाला गया था फौज से। तो उसे पैसे से खरीद लो। After all, now he is a professional private detective. ये भी मुश्किल होगा सर, उसके काम करने का स्टाइल ही कुछ अजीब है। 6 महीने काम करता है, 6 महीने अय्याशी करता है, और जब वो अय्याशी करता है तो दुनिया में वो दौलत नहीं है जो उससे काम करवा सके, और इन दिनों उसके अय्याशी का टाइम है। I want him by all means. पैसे से प्यार से ना मिले तो उसे ताकत से ले आओ। But I want him anyhow, okay? Sir, will you please? Impossible. I tell you, it is next to impossible. ताकत के जोर पे धर्म सिंह को किसी का बाप भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या बोला वे? मेरा मतलब है भाई साहब, आप लोग चाहें तो ले जा सकते हैं, समझ गए ना? तो जनाब, आप जरा ये बताइए कि हमारे ये बड़े भाई साहब इस वक्त मिलेंगे कहाँ? Hey!
थोड़ा खर्रा पिला दे, छमिया बुला दे, पर्दे गिरा दे, बत्ती बुझा दे। Hey, put on the kangaroos on my feet, then watch my derama. Put on the kangaroos on my feet, then watch my derama. Put on the kangaroos on my feet, then watch my derama. Put on the kangaroos on my feet, then watch my derama. Nachunga aise, gaunga aise, hoga hangama. Main hoon garam dharam, kaisi sharam. मैं हूँ गरम धरम कैसी शरम Put on the kangaroos on my feet then watch my derama Put on the kangaroos on my feet then watch my derama नाचूंगा ऐसे गाऊंगा ऐसे होगा हंगामा मैं हूँ गरम धरम कैसी शरम मैं हूँ गरम धरम कैसी शरम Number 54, house with a bamboo door, bamboo roof and a bamboo top, bamboo roof and a bamboo top, it's even got a bamboo flow. Number 54, I from the beat to a bar aviator, O from the moan of a sax syncopator, C from the key of a six string heater, K from the kick of a rim shot beater, that's how they made it, that's how they played it, rock, rock, rock. One, two, three, 4 o'clock. Rock, 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 round the clock. One, two, three, 4 o'clock. Rock, 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 round the clock. Main nacho, tu nacho, sari duniya nache rock. Main hu garam dharam, kaisi sharam. Main hu garam dharam, kaisi sharam. क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? मैं फाइनली आप लोगों से कह देता हूं कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर मिशन एंड इन योर मनी। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। जस्ट अ मिनट। माना कि तुम्हारे रेस्ट पीरियड में हम तुम्हें पैसे की ताकत से अपने साथ नहीं ले जा सकते, मगर तुम ये बताओ, तुम अपनी मर्जी से हमारे साथ चलोगे या फौज के कानून के मुताबिक हम तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले चले? ओहो। फौज का कानून जबरन मुझे यहां से ले जा सकता है,
लेकिन जबरन मेरे दिमाग मेरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। डेंजर वैली में ऐसा फंसाऊंगा बच्चे कि अपनी याददाश्त खो बैठोगे, भूल जाओगे किसके बेटे हो, कहां से आए हो, कहां जाना। जानते हैं इसीलिए इतनी देर से तुम्हारी खुशामद कर रहे हैं, आज फौज को तुम्हारी जरूरत है। What nonsense! आज फौज को मेरी जरूरत है, इस धर्म सिंह की, इस डिसोबीडिएंट इंडिसिप्लिन धर्म सिंह की, जिसे बगैर कसूर के बेइज्जत करके फौज ने निकाल दिया था। बड़े भाई अब वो सब बातें भूल जाओ। भूल जाऊं अपमान के उस कड़वे घूंट को? भूल जाऊं? कितनी आसानी से कह दिया तुमने, कैसे भूल जाऊं कि ये अय्याश शराबी धर्म सिंह जो कभी हिंदुस्तानी फौज में काबिल अफसर था, इसके भी सपने थे कि हिंदुस्तानी फौज में एक बहुत बड़े अहदे तक पहुंचे, इसके भी सपने थे कि इसका अपना घर संसार हो। वो सपने टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह मेरी आत्मा में धस गए हैं, मेरी नस नस में चुभ रहे हैं। इससे पहले कि मेरे सीने में दहकता हुआ नफरत का बुलावा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़े, चले जाओ यहां से, गेट आउट फ्रॉम हियर। आज की ताजा खबर दुश्मन के 1000 सिपाहियों को अकेले मारने वाले महावीर चक्र विजेता मेजर धर्म सिंह का कोर्ट मार्शल। द लायन ऑफ हिमालयन रेंजेस महावीर चक्र विजेता आईसी नंबर 7986F मेजर धर्म सिंह, आप पर यह इल्जाम है कि आपने 4 जनवरी 1972 की रात को अपने अफसर ब्रिगेडियर कपूर के ऑर्डर्स को मानने से इनकार किया और बिना किसी इजाजत के काशीपुर के परिमूला सेक्टर में दुश्मन के घुसपैठियों पर हमला किया, जबकि इसकी जिम्मेदारी सेना की नहीं वहां की पुलिस की थी। मेजर धर्म सिंह, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? एक सिपाही होने के साथ साथ मैं एक नागरिक भी हूं सर। उन घुसपैठियों के हमले को नाकाम बनाने के लिए अगर मैं पुलिस का इंतजार करता या ब्रिगेडियर कपूर के ऑर्डर्स का इंतजार करता तो ना जाने कितने बेगुनाह मारे जाते सर, और उन बेगुनाहों की मौत की जिम्मेदारी ना मेरी होती, ना आपकी, और ना ही ब्रिगेडियर कपूर की। मेजर धर्म सिंह, एक सिविलियन के नाते आपने जो किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन सेना की नींव अनुशासन पर रखी होती है और आपने सेना का अनुशासन तोड़ा है, इसलिए कोर्ट आपको अपराधी मानता है और आपको हमेशा हमेशा के लिए भारतीय सेना से निकालने का हुक्म देता है। दैट्स ऑल सर। एक जान लेने की इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती जितनी आपने मुझे हजारों जानें बचाने के लिए सजा दी है। आपके इस फैसले ने एक सिपाही की सारी उम्मीदें सारे सपने तोड़ डाले हैं। कितनी आसानी से आपने कह दिया दैट्स ऑल। नो सर, इट कैन नॉट बी दैट्स ऑल, 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 इट कैन नॉट बी दैट्स ऑल। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? टेक इट इजी सीमा, टेक इट इजी। आज जिंदगी के इस मकाम पर मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे सहारे की जरूरत है। प्यार, सहारा, मैं तुम्हें इतना प्यार देना चाहती हूँ जितना दुनिया में किसी ने किसी को नहीं दिया होगा, मगर ये नहीं हो सकता। It's not possible. सीमा। हाँ धर्म सिंह, मेरे भाई और पिता सेना में हैं। उनके सारे सपने सेना के साथ जुड़े हुए हैं। वो क्या आप मुझे किसी कोर्ट मार्शल याफ्ता के साथ शादी करने की इजाजत देंगे? आज एक बेटी अपने पिता और भाई के खातिर
अपने प्यार की कुर्बानी दे रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर देना। न खुदा ही मिला न विसाले सनम। धर्म सिंह, पुरानी नफरत को ताजा करके तुम अपना खून तो बहा सकते हो, लेकिन अपने खून से वो दाग नहीं धो सकते जो कोर्ट मार्शल से तुम्हारे ऊपर लगे हैं। मेजर, ये एक बहुत अच्छा मौका है जब तुम अपने सारे दागों को धो सकते हो। सोचो, जब लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुमने सेना की मदद की है तो। अच्छा धर्म सिंह, एक बात बताओ, तुम क्या सिर्फ सेना के एक सिपाही थे, अपने देश के नागरिक नहीं? मैं ये जानना चाहता हूं कि धर्म सिंह हिंदुस्तानी सेना का सिर्फ एक सिपाही है, साथ साथ हिंदुस्तानी नहीं? डोंग ने जनरल सिन्हा को मारकर क्या सिर्फ सेना की बेइज्जती की है, पूरे देश की नहीं? हमारे देश में घुसकर ये घुस बैठिए जो तबाही मचाएंगे, उस तबाही से देश को बचाने का फर्ज क्या सिर्फ पुलिस का है, सेना का नहीं? धर्म सिंह, ये लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं, हर हिंदुस्तानी की है। मैं तो यहां तक कहूंगा सर, इन घुस बैठियों को खत्म करने का फर्ज सिर्फ पुलिस और सेना का ही नहीं बल्कि हर देशवासी का है। बड़े भाई, सेना के सैनिकों की हैसियत से नहीं, एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से हम तुमसे मदद की भीख मांगते हैं। सर, एक मेजर की हैसियत से नहीं, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से मैं आपसे इजाजत की भीख मांगता हूं। Enough! It's enough! Oh, what a destiny! आज तुम लोगों में मुझे वो धर्म सिंह नजर आ रहा है जो कभी आर्मी में ऑफिसर था। ठीक है, मैं तुम लोगों को मेजर वैली से आगे माउंट जजिया तक पहुंचा दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, कोई कमांडर कोई ऑफिसर मुझे हुक्म नहीं देगा, मैं सब कुछ खुद करूंगा। हाँ, मंजूर है। वेलकम मेजर धर्म सिंह। आई एम मेजर कृष्ण राव, कमांडर ऑफ फोर्स 5, कैप्टन अंजू सिन्हा। करेक्ट। सो हाउ इज लाइफ इन बैंकॉक? कैसा लगता है मिलिट्री की डिसिप्लिन लाइफ के बाद ये प्राइवेट डिटेक्टिव की लाइफ? जिंदगी तो जीने पर है मेजर, इसे जितनी चाहे रंगीन बना लो और जितनी चाहे। वेल सर, कम लेट्स गो। अरे तू कहां चली? खंडा भाभिया, मामला गरम है, निकल ले। चुम्मा चुम्मा भाभी है तेरी, चुप। वंस अगेन आई मस्ट से धर्म सिंह, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड टू यू। तुम्हारे इस मिशन को ज्वाइन करने से ही मुझे ऐसे लग रहा है कि हम आधे कामयाब हो गए। माइनेट मेजर राव, मैंने तुम्हारा मिशन ज्वाइन नहीं किया, मैंने तुम लोगों को सिर्फ डोंगरीला की सतह तक छोड़ने का वादा किया। राइट, और हमारे लिए उतना ही काफी है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? ये डेंजर वैली है और ये है इसका वो हिस्सा जो कहीं और नहीं सिर्फ मौत के मुंह में खुलता है। हम इस रास्ते से डेंजर वैली क्रॉस करेंगे। इस हिस्से में कोई 30 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद हम जिस हिस्से में पहुंचेंगे वहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती।
सामने डोंगरीला की सरहद माउंट चिंजिया। दुश्मन की निगाहें और उनके राडार्स पानी की चादर छेदकर
हम तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमें इसी वाटरफॉल से होकर ऊपर जाना पड़ेगा। ओके। मेरा हाथ। ओके। तुम क्या हमको भी अपनी तरह बेवकूफ समझते हो? तुमने सोचा कि तुम इस रास्ते से डोंगरीला आ जाओगे और हमें खबर तक नहीं होगी? हमने तुम जैसे बेवकूफों के लिए ही ये पानी का जाल बिछा रखा है, अब मरने के लिए तैयार हो। मेरे साहब हाथ दीजिए।
कमन में चल, क्या सीआर है? चल, ओके, योर राइट सर, सेस ऑल राइट, सेस कैप्टन अंजो, गेट द मेडिकल एड बॉक्स प्लीज, यस सर, ओके, संभल के सर, ओके, बैठ जाइए, सर, खून बहुत बह रहा है, इनको जल्दी से इंजेक्शन दो, ओके, डोंट पैनिक बॉयज, डोंट पैनिक, कुछ भी नहीं होगा मुझे, और जिसने दिल पे जख्म खाए हो वो इस जख्म से क्या घबराएगा, पिए हो जिसने खून के आंसू, क्या वो इस खून से मर जाएगा? मेजर, खून के आंसू? हाँ मेजर, मेरी एक बेटी थी, आज से 11 महीने 14 दिन पहले की बात है, मैं उसे देश की सीमा के बाहर बीच समुद्र में घुमाने ले गया था। पापा ये देखे, वहाँ कोई आलिन लग रहा है। शेट्टी सर, वो आइलैंड देख रहे हो ना? जी, वहां सीधे ले चलो। ओह माय गॉड, शी इज डेड। शेट्टी, यस सर, तुम डॉली को लेकर लॉन्च पे जाओ, मैं जंगल में जाकर देखता हूं। वीरान आइलैंड को ढूंढ कर तो सर आपने वाकई कमाल कर दिया। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, लंका से लड़कियां उठाकर यहाँ रखने में आसानी होगी, और सर इसे एक ह्यूमन बॉम्ब ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील किया जा सकता है। अक्सर आना पड़ेगा आपको सर यहाँ। बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें डोंगरीला एक्सपोर्ट कर दिया जाए और इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। ओह स्वीट, इसे हमारे हैरम में भेज दिया जाए। ये लड़कियां तो बड़े कमजोर दिल की मालूम पड़ती हैं। छी छी छी, इनके चेहरे भी पीले पड़े हुए हैं, इन्हें बेचकर तो हम दलाली भी नहीं खा सकते। इनकी आंखें, किडनीज और दिल निकालकर बाजार में बेच दिए जाएं, ओके? लेकिन सर इनकी हड्डियों का क्या होगा, पहले से ही ढेर लगा है। इनकी हड्डियों को मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के लिए दान दे दिया जाए। वारे दानवीर कर्ण की नाजायज औलाद, वाह क्या दान है। इंडियन आर्मी का मेजर कृष्ण राव। कृष्ण गोपियों को कंस से बचाने आया है? डोंग, अपने आप को तू कंस समझता है? लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। कंस जालिम था, बुरा था, लेकिन भड़वा नहीं था। लड़कियों की दलाली खाने वाला दलाल नहीं था, उनके जिस्म के अंग बेचने वाला जल्लाद नहीं था। भाई वाह, दुनिया में बड़े बड़े तानाशाह हुए, लेकिन आज तक किसी को ऐसी पदवियां नहीं मिली। देखी मेरी देशभक्ति, क्या क्या करता हूं अपने डोंगरीला के लिए, डोंगरीला की जनता के पापी पेट के लिए। पेट पालने के लिए ऊपर वाले ने हर इंसान को दो हाथ दिए हैं डोंग, लेकिन तुझे तो उन हाथों की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने तुझे शक्ल ही ऐसी दी है, किसी भी सर्कस में तुझे जोकर का काम आसानी से मिल जाए। बेवकूफ मेजर, एक गलती तो तू पहले ही यहां अकेले आकर कर चुका है, और दूसरी तूने डोंग को जोकर बोलकर कर दी। अगर तू अपने आप को हीरो समझता है तो ए हिंदुस्तानी हीरो, दिखा अपना करिश्मा, बचा इन लड़कियों को इस जोकर से। ये ले। जोकरों से लड़ने के लिए इस हिंदुस्तानी सिपाही के ये हाथ ही काफी है। चलाओ गोलियां, चलाओ टांग के कुत्तों, चलाओ गोलियां, लेकिन याद रहे एक भी गोली मुझे छूकर गई तो तुम्हारे इस जनरल की गर्दन भी टूटकर जमीन पर गिरी पड़ी होगी। अगर मेरी गर्दन पर बल पड़ा तो तेरी भी लाश
जमीन पर पड़े होगे। मैं तो अपनी मौत का दांव लगा चुका हूँ डांग, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू भी अपनी मौत का दांव लगा के देख। बोल अपने कुत्तों को कि चलाए वे गोली, बोल बोल। बच्चों भागो। चल जोकर, तुझे हिंदुस्तानी सर्कस में भर्ती कराता हूं। चल। शेक्टेक, खड़े खड़े मेरे मुंह के देख रहे हो, निकल जाओ बच्चों को लेकर। सर आप मेरी फिक्र मत करो, मैं दूसरी बोट में तुमको कवर करता हूँ, आ जाऊंगा। बच्चों को खतरे से निकलना जरूरी है। बट पापा। डॉली गो गो गो। चलो। शाबाश बच्चों, गो गो। चल डांग चल। कृष्ण राव, ये तुझे बहुत भारी पड़ेगा। इंजन ही खराब नहीं किया, तेरी जिंदगी भी खराब कर दी। सब लड़कियों को रोककर गुड़ेला जनरल डॉन्ग की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन एक लड़की को रोककर इसने तेरी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। डॉली। डॉन्ग कभी रॉन्ग नहीं होता। डांग, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं। तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, होगा तो उन लड़कियों को। रोक ले उन्हें, रोक उन्हें। नहीं, रोक उन्हें। नहीं, वरना तेरी बेटी। डांग, तेरा पाला एक हिंदुस्तानी सिपाही से पड़ा है, न कि सिर्फ एक बेटी के बाप से। इतनी सारी बेटियों को बचाने के लिए एक बेटी कुर्बान सही। बारे हिंदुस्तानी सिपाही, वाह, आज तो वाकई ही तूने डॉन्ग को जोकर साबित कर दिखाया। अब मैं तेरी बेटी को मारूंगा नहीं, बल्कि अपने साथ डोंगरीला ले जाऊंगा। स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा इसे, इसे वो बनाऊंगा कि एक साल के बाद डोंगरीला के एनुअल डे फंक्शन पर सरे बाजार नाचेगी। ये डोंग नहीं होता कभी रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। बड़ा फखर है ना तुझे एक हिंदुस्तानी सिपाही होने का। बचा सकते हो तो बचा कर ले जाना अपनी बेटी को। मैं तुझे एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल का वक्त दे रहा हूं। अगर इस दौरान तू अपनी बेटी को बचाकर नहीं ले जा सका तो चले आना घुटनों के बल डोंगरीला, मैं तुझे तेरी बेटी का दल्ला बना दूंगा। हरामजादे। शोम 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 शामो शाशा। मेजर, कैन आई जॉइन योर मिशन? हेलो, फोर्स फाइव रिसीविंग, कम इन प्लीज, ओवर। हेलो हेलो, हेडक्वार्टर्स, रिपोर्ट प्रोग्रेस, ओवर। सर, हम लोग डोंगरेला के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सर ऐसा लगता है हमारा मिशन डोंग को लीक हो चुका है।
एनी एनकाउंटर? ओवर। जी सर, काफी गोलियां चली मगर हम सब ठीक है, ओवर। सुनो, सिर्फ बोंद्रा पास से ही तुम्हारी शहर में एंट्री सेफ है, सुना? बोंद्रा पास से, ओवर। रोजर, मैसेज रिसीव्ड, ओवर। गॉड ब्लेस यू, बी अलर्ट, ओवर एंड आउट। Give me code 411. Miss Cynthia? Yes, Mr. Kapoor. मेरी इतनी accurate information के बावजूद ये सब लोग वहां से निकल गए कैसे? कैसे? अगर डोंगला की security का यही इंतजाम है तो मैं समझता हूँ कि force 5 वहां कामयाब हो जाएगी और मैं और आप अपने देश में exposed हो जाएंगे, है ना मिस्टर कपूर? Yes, yes. Don't worry, Mr. Kapoor. अब चार्ज मैंने खुद अपने हाथों में संभाल लिया है। By the way, ये लोग आप बामलीला की तरफ से ही शहर में आएंगे, ख्याल रहे, हाँ? Thank you, Mr. Kapoor. आपके लिए खुशखबरी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन की कीमत थी अब $5,00,000 से $10,00,000 कर दी गई है। थैंक यू, थैंक यू। मेरी तरफ से जेनरल डोंग को बिगाड़ देना। अल्लाह न करे। जो बात आज हमें मालूम हो गई है किसी और को मालूम हो जाए तो कीमत बोलो। अब $150,000 में तो आप बिकने वाले हैं नहीं सर, जरूर करोड़ों में आपने अपना ईमान बेचा होगा सर। कीमत बोलो। सिर्फ ₹1। ₹1? हाँ, एक जान की कीमत ₹1। उस हिसाब से 80 करोड़ हिंदुस्तानियों का टोटल हुआ ₹80 करोड़। अब इतना पैसा तो जनरल डोंग से आपने जरूर लिया होगा सर, या इससे भी सस्ता बेच दिया का दार तूने अपने देशवासियों को। अरे नाम तो हम जैसों के बदनाम है और चेहरे तुम जैसों के काले हैं। अल्लाह रखा। अरे हट, चिल्ला कर डराता किसे है? आज जो तेरे सामने खड़ा है तेरा अदली तेरे हुक्म का गुलाम अल्लाह रखा नहीं बल्कि अपने ईमान पर मुसल रहने वाला एक मुसलमान अल्लाह रखा खड़ा है, अपने वतन पर मर मिटने वाला एक फौजी अल्लाह रखा खड़ा है। अरे मेरे फौजी, तू बहुत छोटा फौजी है, एक मामूली सा अर्दली है मेरा, तेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। तेरा फायदा इसी में कि तू सौदा कर, बोल कितना चाहिए? अरे हट, बेचकर ईमान कमाई दौलत तो इंसान क्या, नमक खाया जिस वतन का उसी का ना हुआ तो मुसलमान क्या। कसम करबला के शहीदों की, अल्लाह रखा ये किसी को नहीं बताएगा कि तू गद्दार है, नहीं तो लोगों का फौज पर से विश्वास उठ जाएगा। ये अल्लाह रखा, ये मामूली आदमी, ये छोटा आदमी, तेरा अर्दली आज तेरा कत्ल करके तेरा खून अपने सर पर लेगा। या अल्लाह, या मोहम्मद रसूल अल्लाह। नथिंग पर्सनल माय फ्रेंड, दिस इज प्योरली बिजनेस, प्योरली बिजनेस। कंट्रोल रूम, दिस इज जनरल कपूर स्पीकिंग। मेरा अर्दली अल्लाह रखा देशद्रोही साबित हुआ, मुझ पर हमला किया उसने, उसकी लाश मेरे ऑफिस में पड़ी है, उठा कर ले जाओ। टेक हिम अवे। Nothing personal, business. Bomb chicka bomb bomb, let him live down. 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 वाला रॉन्ग हो सकता है लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। जनरल डोंग तुम्हारा भगवान है,
उसकी आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है। ये देखिए, ये 24 घंटों में 12 घंटा घुमा करती है और जनरल सर जी ये 16 घंटे घुमा करती है। और जनरल सर जी ये इन लड़कियों को रोज 18 घंटे घूमने की सजा दी है, लेकिन ये कमबख्त हिंदुस्तानी लड़कियां हैं कि धंधे के लिए तैयारी नहीं होती। शोम 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 शामो शाशा मेरे पापा, तुम्हारा पापा, मेरे पापा, तुम्हारा पापा। पापा तुम कब आओगे मुझे लेने? तुम्हारा पापा आ गया है। हाँ, वो लंगड़ा सारे पर्वत चढ़कर आ गया है, तुम्हें लेने के लिए आ गया है। हमने उसे 1 साल का टाइम दिया था, लेकिन वो 11 महीने और 16 दिन में ही आ गया है, 14 दिन पहले आ गया है। तो फिर तो अपने दिन की रात शुरू कर दे डोंग, या तो भाग जा, क्योंकि अगर मेरे पापा आ गए हैं तो फिर तुझे ये 14 दिन बहुत भारी पड़ेंगे, बहुत भारी पड़ेंगे। इस लड़की को दिन में 24 के 24 घंटे घुमाने की सजा दो। मेजर कृष्ण राव को अब ये 14 दिन बहुत भारी पड़ेंगे। Let them follow us. वो जा रहा है। Forget me and shoot them! Give me your hand, Major. चूजा अकेला जा रहा है,
अगर हाथ लग जाए तो इसके साथी भी मेरे हाथ लग जाए। कसम उड़ान छल्ले की, आज तो इस छल्ले में से उड़ान लगाई लू। अरे अच्छा, अरे वाह, अब ये देख। You Indian bastard, leave me alone. अबे ओ अंग्रेजी मुर्गी, अब जब तूने हिंदुस्तानियों को हरामी कह ही दिया है तो कसम उड़ान छल्ले की, अब तू हमारा हरामीपन देख ही ले। बल्ले बल्ले। Finito. Finish. 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 Come on, follow me. Follow me. Follow me. Finito. Finish. ये प्रिंस काव है, यहाँ के स्वर्गीय किंग के भाई, जिन्हें डोंग ने शराबी और निकम्मा समझकर जिंदा छोड़ रखा है, मगर असल में ये एक अंडरग्राउंड रिवॉल्यूशनरी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और डोंगरिला को डोंग के जुल्मों से आजाद कराना चाहते हैं। इसलिए खुफिया तौर पर ये हमारे भी मदद करेंगे। लेकिन प्रिंस काओ का जिक्र उस प्लान में तो नहीं था जो आपने हेडक्वार्टर्स में दिया था। ठीक उसी तरह जिस तरह मेजर धर्म सिंह का जिक्र भी नहीं था। आई वॉन्ट टू प्ले सेफ। फिर भी तो हमारा हर स्टेप डोंग को मालूम हो रहा है, क्योंकि उनका कोई एजेंट आपकी सिक्योरिटी में घुसा हुआ है। But that's impossible. It is possible. और इसीलिए सबसे पहले उस सीक्रेट फाइल को हासिल करना होगा जिसमें हिंदुस्तान में फैले हुए डोंग के तमाम एजेंट्स के नाम हैं। और इस काम में तुम्हारी मददगार होगी मिसेस डकोस्टा। हाय। हाय। ये हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है। अब ये आप लोगों को यहाँ से बहुत दूर किसी सेफ जगह पर लेकर जाएंगे। हम लोग यहाँ किसी सेफ जगह रहने के लिए नहीं आए हैं प्रिंस। डोंग इस वक्त सिटी से बाहर कंटोनमेंट एरिया वाले रेजिडेंस में रुका हुआ है। वहाँ जाने के लिए एक ट्रॉली है, हम सिर्फ ट्रॉली के जरिए ही वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन डोंग की इजाजत के बगैर वहाँ कोई परिंदा भी अंदर नहीं घुस सकता है। हाँ, इसलिए मेरी राय ये है कि आप अपने फर्दर प्लान्स के लिए सिटी से बाहर ही ठहरे रहें, क्योंकि सिटी के अंदर भी मिलिट्री ने आप लोगों के लिए जाल बिछा रखे हैं। हाँ मिस्टर काओ, आपका स्टॉप आ गया। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। अब आप मिस्टर डिकोस्टा के साथ जाएं। ये फार्म डोंग के एक ऑफिसर जेलो का है। डरने की कोई बात नहीं, वो कंटोनमेंट बैरक्स में रहता है। साल में सिर्फ 8 दिन की छुट्टियां मनाने आता है। क्योंकि ये मिलिट्री ऑफिसर का फार्म है, किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन इस फार्म हाउस में कोई तो रहता होगा, नौकर, माली। सिर्फ जेलो की चहेती बहन जूले रहती है। जूले, ये लड़की का नाम है? जी हाँ, हमारी पार्टी की इम्पोर्टेंट मेंबर है वो। भाई डोंग का ऑफिसर, बहन रेवोल्यूशनरी, वेरी स्ट्रेंज। आइए, इस बात का पता भाई को नहीं है। अच्छा। और इस बात से हमें बहुत फायदा है। डोंग की सारी कार्रवाइयों का पता हमें पहले से ही चल जाता है। Why don't you go in and change? मैं जूले को लेकर आती हूँ। अब मैं चलूँ आपके साथ जूले को बुलाने? जी नहीं, आप अंदर जाइए, मैं बुला लूंगी। जूले, जूले, जूले। लगता मेरे बच्चों को परेड करा रही होगी। अब हम तुम्हें सैल्यूट के बारे में बताते हैं। जब तुमसे कहा जाए कि सलामी दे, तो तुम लोग इस तरह हाथ ऊपर करके सलामी दोगे। ओके? हाँ, तो सलामी दे। ओफो, जब तक हाथ नीचे करने को नहीं कहा जाए तब तक हाथ नीचे नहीं करना है। सच्चे सिपाही अपने कमांडर के ऑर्डर के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। ओके? फिर से सलामी दे। जूले, जूले। मिसेस डिकोस्टा। Thank you.
कास्टा, आप आ गई। हमने तो सोचा था आप नहीं आएंगे। हम बताएं आपको, हमने सुबह खबर सुनी थी कि आज तूफान आने वाला है, लेकिन तूफान उफान तो कुछ आया नहीं और आप आ गई। अरे हाँ, वो आपके मेहमान आने वाले थे ना, वो आ गए हैं। आ गए? Thank you, pretty girl. Julie. Javed. हम आपको अपने बालों का फूल दे दें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? आप मुझे कुछ दें और मुझे बुरा लगे? I'm not such a fool. Julie. बड़ा खूबसूरत नाम है। ये हमारे नाम वाला जूले नहीं है, इसका मतलब यहाँ वेलकम। ओ, तो फिर ये मेरे लिए ही है। इसका दूसरा मतलब भी है, बाय बाय। तो फिर ये इसके लिए होगा। हम आप लोगों के लिए कहवा बना कर लाते हैं। चलिए हम आपकी मदद करते हैं। कैप्टन रणबीर। सर्वो सर्वो, नजर रखना जरूरी है ना सर? ओके। यस सर। ओके बॉयज, लेट अस गेट टू द पोजीशंस प्लीज। कैप्टन राकेश, तुम पीछे जाओ। यस सर। कैप्टन जावेद, तुम गेट पर निगाह रखो। यस सर। कैप्टन अंजू, यू चेक द सिग्नल। यस सर। मेजर धर्म सिंह, आई चेक द एमिनेशन। मेजर, क्या यानी आप, हम आपको अच्छे नहीं लगे? नहीं, अच्छे तो सभी लगे, खासकर वो भूरी आंखों वाला। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अव्वल नंबर का प्लेबॉय है वो। तो फिर वो डांसर की बॉडी जैसा? अरे उसको मटकने के सिवा कुछ नहीं आता। और वो दोनों, एक तो है वो दाढ़ी वाला, वो तो बहुत बोर करते हैं, और दूसरा वो मसल मैन, वो आपके अंकल लगते हैं। पर हमें तो सभी अच्छे लगे। अच्छा, आपको सभी अच्छे लगे, हम नहीं अच्छे लगते बस। बाकी सब हीरो हैं और हम क्या विलन है? हम हीरो नहीं लगते, मैं हीरो नहीं लगता। Let's see. हीरो तो लगते हैं आप, लेकिन 8 फिल्मों के। What? मैं आपको 8 फिल्म का हीरो दिखाई देता हूँ? मेरी शक्ल सलीम लंगड़े जैसी है क्या? है? मेरी दाढ़ी पड़ी हुई है क्या? मेरे झोला लटका हुआ है? मैं कुर्ता पहनता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, फटी चप्पल पहनता हूँ? 8 फिल्म, मैं आपको कमर्शियल फिल्म के हीरो के स्टाइल में हंसाऊंगा। कैप्टन रणबीर, ये आपकी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई? क्या तुम भूल गए सर कि हमारी आवाज महाभारत के जमाने से भारी है? सर एक बात बताओ सर, तुम यहाँ डोंगरीला में सर हीरो बनने आए हो या कॉमेडियन? कॉमेडियन। शट अप सर। आपसे अच्छे कॉमेडियन तो आपके दोस्त हैं, इन्हें तो हमें झट हटा दिया। कौन दोस्त? इसको आगे चढ़ गए बाप रे, अजीब पूछे मत, इसे दिल का दौरा पड़ा, ये मर भी सकता। मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूँ, आप इसका ख्याल रखिए। थैंक यू। God, God, please, इन्हें मरने नहीं देना, please, इनको बचा लो, please God. जूले, सिर्फ इतना कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं हीरो लगता हूँ। आप हीरो लगते? जूले, जूले जी, where are my children? Oh my God! पगलू, हाथ नीचे क्यों नहीं किए? आपने तो कहा था जब तक कमांडर हाथ नीचे करने को ना कहे, सिपाही को हाथ नीचे नहीं करने चाहिए। गुड गुड गुड। बच्चों, माँ, माँ। अच्छा, तो इनको सलूट करो। ग्रेट, हैंड्स डाउन, थक जाओगे। माँ, ये दीदी के पास सिपाही बनने आए हैं? नहीं बेटे, ये तो पहले से ही बहुत बड़े सिपाही हैं भारत देश के।
दीदी ने हमको बहुत सारी भारत की कहानियाँ बताई है। हम बड़े होकर बहादुर बनेंगे, भारत के सिपाहियों की तरह, और डॉग से अपने देश को आजाद कराएंगे। अरे वाह रे मेरे नन्हे सिपाहियों, लेकिन बेटे तुम्हारे बड़े होने तक अगर डॉग जिंदा रह गया तो ये तुम्हारा देश जिंदा नहीं रहेगा। हम वादा करते हैं कि डॉग से हम तुम्हारे देश को आजाद कराएंगे। राकेश जाओ, एक कैप्टन रणवीर जल्दी आओ। सर, व्हाट हैपेंड? सर, मेजर कृष्णराव ने सबसे छुपाया, उनके पैर में गैंग्रीन हो गया है, जहर सारे जिस्म में फैल रहा है, कुछ ही घंटों में ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। गैंग्रीन? हिंदुस्तान के टेररिस्ट को आप पत्रकारों के सामने बहुत जल्द पेश किया जाएगा। चेकिंग चेकिंग। हेलो कर्नल रिचर्ड, क्या हो रहा है? चेकिंग? मिसेस डिकोस्टा, वो आदमी कौन है? वो मेरा नया आदमी है। नया आदमी? Oh, I see. Congratulations. कब शादी हुआ? क्यों आपको नहीं बुलाया? मेरा मतलब वो मेरा नौकर है। Oh, I'm sorry. नौकर? जी। ओ साहब जी, हम मेन साहब का न्याशन होने साहब जी तो लाना। ओके, इस टैंकर में क्या है? ओ, कर्नल रिचर्ड, मैं आपको बताना भूल गई। मैंने सिटी में पानी सप्लाई करने का बिजनेस शुरू किया है। सिटी को पानी? सिटी में पानी का क्या प्रॉब्लम? ओ साहब जी, ये कोई मामूली पानी नहीं साहब जी, ये वो जुलाबी चश्मे का जुलाबी पानी है साहब जी। आपके डॉक्टर साहब को थोड़ा पेट का तकलीफ है साहब जी, पेट को साफ करने के लिए हम ये पानी लाया साहब जी, जुलाबी चश्मे का पानी है। हाँ साहब जी। गुलाबी चश्मा? आपके डॉक्टर साहब के लिए। जनरल डॉग? डॉग। डॉग? डॉग। डॉग? डॉग। डॉग? वो भोंकने वाला डॉग नहीं, आप वाला डॉग। तुम्हारा मतलब है तुम जनरल डॉग को पानी पिलाता है? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम खुद चेक करेगा। खोलो 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 खोलो। ए ए साहब जी, आराम से चेक करना और पानी काम निकालना साहब जी। गुड गुड, nice water. Okay, Mr. Costa, you can go now. Thank you so much. Inco janero. Tayo! Hold it! Tom! Hey! Hey, Tom, Tom! शाला काट दिया, शाला मक्खी मधुमक्खी काट दिया, मधुमक्खी इलाज करो साहब जी, तब मधुमक्खी काट के साहब जी उसका इलाज ऐसे होता है। इलाज इलाज जी, आपको मधुमक्खी काटा? बहुत बहुत काटा साहब जी। इलाज नहीं, हम इलाज करते साहब जी। ये देखो थोड़ा, देखो साहब जी थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन आपको बर्दाश्त करना, दर्द चला जाएगा, सूजन चला जाएगा। हमको जल्दी जाना है, एक काम करो साहब जी, आप जूते रखो, मारते रहो। अच्छा साहब जी, नमस्ते साहब जी, नमस्ते साहब जी। हमको भी गुलाबी चश्मे का एक बोतल पानी चाहिए। क्या करेंगे? और साहब जी देखो, ये डोंग साहब के लिए पानी ले जा रहा हूँ, आप क्यों बीच में परेशान कर रहे हैं? कहाँ से पानी दूंगा आपको? एक बोतल, एक गिलास। अच्छा एक गिलास ले लीजिए, ले लीजिए, लेकिन थोड़ा गर्म होगा साहब जी, ले लीजिए। थैंक यू, ले लीजिए। नीचे वाला नल खोल के ले लीजिए। जल्दी करो जल्दी करो, पानी देते हैं साले। तू उधर देख, तू इधर मत देखना, मैं जल्दी कर भाई मियां। गुलाबी चश्मा। Different. It is different, but tasty.
Very tasty. Thank you. Have some more. Yeah, it's good for you. Sure, sure. तो साहब जी थोड़ा बकबका लगा आपको, ये बहुत देर का रुका पानी था इसलिए ऐसा लगा आपको। अगली बार आपको पंजाब का पानी पिलाऊंगा, आप और ट्राई करो साहब जी। मैं चलूं साहब जी? गो, गो। नमस्ते साहब जी। इनको जाने दो। यहाँ तो बड़ी सख्त चेकिंग हो रही है। ये ब्रिज तो क्रॉस करना ही पड़ेगा क्योंकि शहर तक पहुंचने के लिए इकलौता यही रास्ता है। शहर के बाहर कोई हॉस्पिटल नहीं है? ऑपरेशन की फैसिलिटीज वाला अस्पताल तो सिर्फ शहर में ही मिलेगा। आप मेरी मजबूरी समझिए, आज सरकार ने शहर में नाकाबंदी की है, वहाँ तो सिर्फ पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल? पैदल तो हम लोग आज तक बाथरूम भी नहीं गए। क्यों मिस्टर हार्डी? यस मिस लॉरेल, साथ में तो कभी नहीं गए। शायद सुन लिया आपने, और आप ये चाहते हैं कि हम सब यहाँ से इतनी दूर चल के पैदल शहर पहुंचे और बजाय होटल में शो करने के हॉस्पिटल में शो करें, जो शायद आपके होटल के सामने। हॉस्पिटल के सामने बात क्या है, हमने तुम्हारी परमिशन के लिए हेड ऑफिस में टेलीफोन कर दिया, हो सकता है कि तुम्हारी गाड़ी को शहर में जाने की परमिशन मिल जाए। और तुम लंबू छुटकी? अरे वो तो वहां शो कर रहे हैं।
that girl alone. जनरल डोंग का अरेंजमेंट, सारा हॉस्पिटल खाली करा दिया तुम्हारे लिए। हमें मालूम था कि मेजर राव के शरीर में जहर फैल चुका है और बिना ऑपरेशन के वो नहीं बच सकता, इसलिए तुम लोग इसे इस हॉस्पिटल में जरूर लाओगे। जाओ, इनके बाकी साथियों को लेकर आओ। ठहराओ, बुलाने की जरूरत नहीं, हमारे आदमी यही मौजूद है। डंगर जावेद, ऑक्सीजन। चारों तरफ से घेर लिया गया है, मेरे आदमियों के सामने सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें 5 गिनने तक का टाइम देती हूं। 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, गिनते जाओ बेबी, जहां तक गिनना आता है। बिल्लियों के गुर्राने से शेर काबू में नहीं आते। जाओ, जाकर कह दो अपने डोंग से कि सिराउंड करने के लिए मेजर कृष्ण राव के साथ धर्म सिंह भी आया है। Thank you.
ऑपरेशन कैसे होगा? जावेद, ब्लड क्लॉटिंग ना हो इसे मेजर को होश में लाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जल्द से जल्द बिजली का इंतजाम होना चाहिए, ओके? अब तो लाइट के इंतजाम करने का एक ही तरीका है, वो जनरेटर। लेकिन इसके लिए तो इन सारे सिपाहियों को खत्म करके इस पूरे इलाके पर कब्जा करना होगा। और ये नामुमकिन है। शियर मैडनेस। मेजर, अंजो, मेजर को अंदर ले जाओ। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मिशन इंपॉर्टेंट है। और मुझे बचाने के लिए तुम लोगों ने मिशन को खतरे में डाल दिया है। तुम मिशन की फिक्र मत करो मेजर, ऐसे खतरे मेरे लिए रोज के खेल है। मुझे बुलाया तो भरोसा रखो मुझ पर, डंकन कुत्तों को मैं भून के रख दूंगा। माना धर्म सिंह की तुम इन सब को खत्म कर दोगे, पर ये मत भूलो कि डॉन के पास सिर्फ इतने ही सिपाही नहीं हैं, उसके पास हजारों सिपाही हैं। इन्हें मारोगे तो और सिपाही आ जाएंगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन ये सिपाही खत्म नहीं होंगे। ये लड़ाई नहीं है, खुदकुशी है। मुझे बचाने के लिए तुम लोगों ने क्या कर दिया है? मेजर, ये वैली सेफ है, आप सब लोग उतर जाइए यहां से और अपनी जान बचाइए, चलिए जल्दी करिए। मेजर, इतने कमजोर हो तुम, एक फौजी की आन से ज्यादा अपनी जान प्यारी लगने लगी। आज जान भले चली जाए लेकिन आन नहीं जाएगी। डांगली लगे इन कुत्तों की इतनी लाशें यहां बिछा दूंगा कि इनकी चिता जलाने के लिए जमीन कब भर जाएगी। लेकिन डांग तो जिंदा रहेगा मेजर, उसका जुल्म तो जिंदा रहेगा। मेरे भाई, अगर हम मर गए और डांग जिंदा रहा तो हमारे साथ मर जाएगा हिंदुस्तानियों का वो गुरूर, जो हिंदुस्तानी फौजों से वाबस्ता है कि वो सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं करती बल्कि सारी दुनिया को दिखला सकती है कि जब जब कोई डांग जैसा कमीना अपने नापाक इरादों के लिए आतंकवाद की तलवार लेकर हिंदुस्तान में तहलका मचाएगा तो हिंदुस्तानी सिपाही भी उसके मुल्क में जाकर उसके तहलके का जवाब उसी तहलके से देंगे। ठीक है कमांडर, तुम इन सब को लेकर इस वैली में उतरो, तब तक इन सिपाहियों को मैं अंदर आने से रोकता हूं। कमांडर भी कहते हो मेजर और उल्टी रीत भी सिखाते हो। भूल गए कि कमांडर खतरे की जगह से पहले अपने साथियों को बाहर निकालता है और उनके बाद वो खुद निकलता है। लेकिन हम आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? माना कि किस्मत ने हरा दिया है दोस्त, पर इतने तो गुनहगार नहीं हम। मरे एक सिपाही की मौत, क्या इसके भी हकदार नहीं हम? आज से अपनी इस छोटी सी सेना का कमांडर मैं तुम्हें मुकर्रर करता हूं मेजर। मेरे दोस्त, मेरा ये मिशन अब से तुम्हारा मिशन है, तुम्हारा। डोंग ने मुझे जो चैलेंज दिया है उसे अब तुम्हें पूरा करना है, तुम्हें। डोंग के आगे ये बाप भले ही शर्मिंदा हो जाए लेकिन ये सिपाही शर्मिंदा ना होने पाए। मेजर कृष्णराव, ना एक सिपाही शर्मिंदा होगा और ना एक बाप, और साथ ही अब आपकी बेटी डॉली को साथ ले जाना नहीं भूलेंगे, ये वादा रहा। शीश चढ़ाने आए हैं, जितने भी अपने पास बची वो सांस चढ़ाने आए हैं। ऐ भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितने भी अपने पास बची वो
सांस चढ़ाने आए। ये जान हथेली पर लेकर कुछ कर दिखलाने आए हैं। कफन कना पाजेबों में हम मर मिट जाने आए हैं। मौत से बिल्डिंगें खत्म हो जाएंगे, बहुत बेगुनाह मारे जाएंगे सर। I say blast the hospital। की हर खबर दुश्मन तक पहुंच रही है। हो सकता है ट्रांसमीटर पर भेजी गई हर इंफॉर्मेशन दुश्मन का ट्रांसमीटर कैच कर रहा हो, या फिर हो सकता है जनरल कपूर के ऑफिस में कोई गद्दार बैठा हो। इसका मतलब ये कि अब हमें हेडक्वार्टर्स कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजनी चाहिए? नहीं, खबर भेजेंगे, आखिरी खबर। हेलो मिस्टर कपूर, मैं बोल रहा हूं, पहचानी मेरी आवाज? मैं धर्म सिंह बोल रहा हूं, जिसका आपकी वजह से कोर्ट मार्शल हुआ था। मैं यहां कैसे हूं ये बाद में बताऊंगा। एनीवे एक मैसेज है आपके लिए, नहीं डॉन के उस कुत्ते के लिए जो हमारी मूवमेंट की हर इंफॉर्मेशन डॉन तक पहुंचा रहा है। इस वक्त अगर वो सुन रहा है तो कान खोल कर सुन ले कि डोंगरीला का एनुअल डे डोंग की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये इंफॉर्मेशन नहीं, धर्म सिंह का चैलेंज है। रॉन्ग नहीं होता। अरे आओ 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 सिंथिया आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था, बहुत अच्छे वक्त पर आई हो तुम। देखो तुम्हारी दावत की खुशी में हमने क्या क्या मंगवाया है, ये देखो फ्रूट्स, ये देखो पूरियां, और ये इमरती, बहुत जरूरी है। ए इधर आओ, जाओ ब्राह्मणों को बुलाओ। आज तुम्हारा श्राद्ध है ना, श्राद्ध। जनरल शोम शोम शोम
शामोशाशा। मैडम सिंथिया, मेजर कृष्ण राव को छोड़कर बाकी सब हिंदुस्तानियों को मारने में आप नाकाम रही, इसलिए जनरल डोंग आपको सजाए मौत देते हैं। आज से चार दिन के बाद होने वाले एनुअल डे पर आप खुदकुशी करेंगी। इसलिए माय ब्यूटीफुल इंटेलिजेंस चीफ मिस सिंथिया, अगर इन चार दिनों के अंदर तुमने हमें यह पता करके बता दिया कि डोंगरीला में इन हिंदुस्तानियों की मदद करने वाला कौन है और वो कहां छिपे हैं, तो एनुअल डे का दिन तुम्हारे लिए खुदकुशी का दिन नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। इसीलिए जल्दी कीजिए मिस सिंथिया। आज डोंगरीला के खिलाफ हमारी इस जंग में तुम्हारी जरूरत आ पड़ी है। ये जंग सिर्फ आपकी नहीं, डोंगरीला की जनता की भी है, और उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। आप ऑर्डर कीजिए सर। ग्रेट। देखो, मैं कल किसी भी हालत में कैंटोनमेंट में दाखिल होना है। हाँ हाँ। और उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है तुम्हारा भाई जेलू। जेलू? हाँ जुले, तुम्हारा भाई जेलू कैंटोनमेंट एरिया में डोंग के फौजी बैरक्स में रहता है। उन बैरक्स के पीछे एक वैली है जिस पर कोई पहरा नहीं है। अगर हम बैरक्स में सेंध लगा सकें तो वैली के उस पार से हम रोप ट्रॉली से बैरक्स के अंदर पहुंच सकते हैं। ऑलराइट। ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते। बैरक की दीवार 4 फीट मोटे पत्थरों की बनी है, जिसे तोड़ने के लिए कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे और 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी। इट्स अ जॉब ऑफ ए स्पेशलिस्ट, इसलिए तुम्हारे साथ रणवीर जाएगा। But that's impossible. बिना special permission के कोई भी कैंटोनमेंट एरिया में दाखिल नहीं हो सकता, और फिर मैं जेलू से क्या कहूंगी? वो भला इतनी देर तक हम दोनों को अकेले अपने बैरक में क्यों छोड़ने लगा? जुले, इसका इलाज मेजर के पास है। कल तुम्हें गांव वालों के सामने रणवीर के साथ शादी का ड्रामा भी करना है। Aha! Your husband? Congratulations! Your husband is a colorful guy. Happy honeymoon! Julia is coming to the barracks for honeymoon. अच्छा ठीक है, आने दो भैया। आपका चेहरा, आपका जलवा, आपका चेहरा, आपका जलवा, अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला, अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला। आपकी टोपी, आपका चश्मा, अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला, हाय अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला। आँख में काजल महका महका, बाल में गजरा महका महका, महका महका। आँखें भरे माशाल्लाह, दाली धरे बल्ला बल्ला, एक कयामत आपका हंसना, एक मुसीबत आपसे मिलना, अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला, हाय अल्लाह।
मौसम प्यारा प्यारा हमको मिला है संग तुम्हारा वेलकम सर। एक मिनट कमांड डाली माय हस्बैंड मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था भैया ये है मेरे हस्बैंड हेलो ओ हेलो व्हाट अ हैंडसम मैन पैर छो भैया के अरे पगली अगर तुझे यही चाहिए था तो पहले बताया होता क्या धूमधाम से शादी करता अरे ऐसे ही बात है तो अब धूमधाम मचा लो अभी भी क्या बिगड़ा है नहीं भैया वो हम दोनों जरा थके हुए हैं ना इसलिए चलो समझा करो अब इन दोनों को हनीमून मनाने दो हाँ जरूर जरूर चले हम तो कुछ भी नहीं कर पाए चलिए डजंट मैटर चलो कम ऑन कम जल्दी से इसमें से ये सारे औजार निकालो या ओके जल्दी 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 वक्त कम है सुहागरात का मतलब ये नहीं होता दरवाजा खुला छोड़ो तो आप जरा दरवाजा बंद कर दीजिए अच्छा ये तो बताइए कि जैसे कुछ लग रहा था कि दीवार कटने की समथिंग आई मीन ड्रिलिंग अरे सुहागरात को तो दीवार कटी ही है कीप इट अप बट जो कुछ भी करो दरवाजा बंद करके यू प्लीज क्लोज द डोर एंड यू प्लीज कम हियर ओके राइट हेलो रैंड रिपोर्टिंग ओवर ऑपरेशन बी इज सक्सेसफुल हेलो बैक रिसीविंग ओवर ऑपरेशन सी बिगिंस ओवर एंड आउट कांग्रेचुलेशंस Clear the field. Hurry up. Yeah.
पहले हमें डोंग की वो टॉप सीक्रेट फाइल हासिल करनी है जिसमें हिंदुस्तान एजेंट्स के नाम और पद हैं। राकेश, डोंग्स वॉइस। हेलो। यस सर। मुझे अभी खबर मिली है कि वो हिंदुस्तानी बैरक्स में घुस आए हैं। तुम अपने सारे गार्ड यहाँ से बैरक्स के पिछले वाले हिस्से में ले जाओ। लेकिन सर, डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। गेट आउट फ्रॉम हियर एंड वेट फॉर माय ऑर्डर्स। ओके सर। कैप्टन, बैरक्स के पिछवाड़े में गार्ड्स लेके पहुंचो। ओके कर्नल। ओके, कम ऑन, फॉलो मी। सुनो जूलिया। यस मेजर। तुम मिसेस डिकोस्टा के छावनी वाले घर में पहुंच जाओ, हम सीक्रेट फाइल लेकर वहीं आते हैं। यस सर। समझ गई। रणबीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो बिना कहे ही तुम्हारी आंखों में देख लिया मैंने। रणबीर, सेक्रेटरी आएंगे, डोंग एजेंट, और नो। वाह माय लव, वाह, ओह माय डार्लिंग। अब तो मैं तुम्हें सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि हर जन्म में अपनी मलकाए मुअज्जमा बनाऊंगा। तुमने ना सिर्फ ये पता लगाया कि इन हिंदुस्तानियों का मददगार प्रिंस काव है, बल्कि मेरे प्लान के मुताबिक हमारी टॉप सीक्रेट फाइल की जगह नकली नामों की नकली फाइल भी उन्हें दिलवा दी। और सर, उन बेवकूफ हिंदुस्तानियों ने उसी वक्त उस नकली फाइल में लिखे आपके एजेंट्स की जगह आपके और मिस्टर कपूर के दुश्मनों की लिस्ट ट्रांसमीटर के थ्रू हिंदुस्तान भेज दी। और अब जब हिंदुस्तान आयंगर जैसे देशभक्तों को मेरा एजेंट समझकर फांसी पर लटकाएगा तो हॉस्पिटल के हादसे में मरे हुए मेरे 2000 सिपाहियों की आत्माओं को कितनी शांति मिलेगी। वाह वाह सिंथिया, वाह। जनरल, इस शाबाशी की असली हकदार मैं नहीं है? बल्कि मेरी जासूस कैप्टन जेलू की बहन जूले है। जूले? लॉन्ग लिव डोंग। जनरल, मिसेस डिकोस्टा के घर इंडियन टेररिस्ट इस वक्त छुपे हुए हैं, पर हमले का मतलब है हॉस्पिटल जैसे एक और बर्बादी, क्योंकि उनके पास बहुत सा एम्यूनेशन अभी भी है। ग्रेट जेलू, तुम्हारी बहन बहुत समझदार है। जब तक उनके पास एम्यूनेशन है उन्हें मारना मुश्किल है। तुम्हें एक काम और करना होगा।
कम ऑन जूले, पहला मौका मिलते ही तुम्हारा पहला काम उनका असली एमिनेशन इस नकली एमिनेशन से बदलना okay. ताकि हमला करके उन्हें आसानी से खत्म किया जा सके. ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट. या, एंड टेक केयर. थैंक यू. जूले, लगता किसी ने हमें देख लिया है. तुम ये बैग लेके चलो, मैं अभी आता हूँ. ओके. अरे खामोश क्यों हो गए? बोलो बोलो बोलो. ओह माय गॉड, यंग मास्टर, हेलो हेलो हेलो. ओह माय गॉड, नो. ऐसा हुआ है मिसेस डकोस्टा, ऐसा हुआ है. और वो दुश्मन कोई और नहीं है, हमारी अपनी दोस्त, हमारी अपनी पार्टी की मेंबर, हमारी अपनी जूले है. यस, ये सिंथिया की जासूस है. यहां तक के तुम लोगों का यहां आना भी तुम लोगों का प्लान नहीं है, केस की और सिंथिया की खतरनाक चाल है. कैसी बातें कर रहे हैं आप? पूछो इससे, ये झूठ है कि सच है? ये सच है कि मैं सिंथिया के जासूस हूं. जासूस? आप लोगों की खबरें उन तक पहुंचाने के लिए मैंने आप लोगों से दोस्ती का ड्रामा भी किया, लेकिन विक्की की मौत कैसे हुई मुझे पता नहीं. मिसेस डकोस्टा, प्लीज बिलीव मी, मिसेस डकोस्टा, प्लीज बिलीव मी. बंद कर ये ढोंग धोखेबाज, तुझ पर विश्वास करके ही तो इतना बड़ा धोखा खाया हमने. क्या इसीलिए इस बच्चे को सिपाही का सबक सिखाए थे तूने? हाँ गद्दार, तेरी गद्दारी से टोंगरिला का ये नन्ना सिपाही तो मरकर भी अमर हो गया, लेकिन तू तू तो जिंदा रहते हुए भी मर गई. एनीवे सर, अब जूली का क्या करना है? सजा है. रणवीर, रणवीर प्लीज मेरी बात सुनो पहले, प्लीज. रणवीर, ये तुमने क्या किया पहले भी मैंने बताना चाहा, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती तुमने, ये सच है कि मैं सिंथिया के प्लान के मुताबिक आप सबको यहाँ कैंटोनमेंट में लाकर डॉन के जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन जब से तुम्हारा प्यार मिला तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो दोस्ती का ड्रामा हकीकत में बदल गया. अच्छाई और बुराई का फर्क समझ में आया. डॉन चाहता था तुम लोगों पर यही हमला किया जाए, लेकिन इससे पहले तुम्हारे एमिनेशन को नकली एमिनेशन से बदल दूं ताकि तुम्हें आसानी से मारा जाए.
लेकिन मैंने सोचा मैं जनरल डोंग को धोखा दूंगी, तुम्हारा एमिनेशन नहीं बदलूंगी। अगर बदला होता तो ये गोली भी नकली होती ना। मैंने अपनी वफा निभा दी है, तुम भी वफा निभाना। इस जंग को जीतना, इस जंग को जीतना रणवीर। गद्दारी की सजा सिंथिया तुझे मिलेगी, तुझे। डोंग से वफादारी का इनाम, अब चले छतरी के नीचे। जनरल किलिंग स्क्वाड से सिंथिया को छुड़ाकर उन्होंने अपने साथ मिला लिया है, अब वो फंक्शन में कभी भी पहुंच सकते हैं। कंटोनमेंट के चप्पे चप्पे में अपने आदमी लगा दो, फंक्शन ग्राउंड तक पहुंचने का हर रास्ता सील कर दो, जहां भी वो लोग दिखाई दे उन्हें गोली से उड़ा दो। शूट देम एट साइट। जनरल सर जी, मेरी तो राय है कि आप फंक्शन का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दीजिए। और ये है फंक्शन के लिए तैयार किया गया नया सिक्योरिटी प्लान, ये देखिए। टनल के जरिए हम वाटर टैंक तक तो आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां से फंक्शन ग्राउंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। फंक्शन शुरू किया जाए। We'll be right back.
सीनियर सर जी, जनरल सर जी, गड़बड़ हो गई, वो बैरियर तोड़ने में कामयाब हो गए। हम जानते हैं। नहीं होता, रॉन्ग तो तू हो गया है धर्म सिंह। अपने आप को बहुत बड़ा जासूस समझता है। तूने इतना भी नहीं सोचा कि जो डोंग हिंदुस्तान में आकर डुप्लीकेट डोंग पैदा कर सकता है, वो डोंगरीला में भी अपना डुप्लीकेट पैदा कर सकता है।
वो जो मरा पिटा तेरे सामने पड़ा है वो मैं नहीं डुप्लीकेट डोंग है। डोंग रीला का शहंशाह, असली डोंग तो यहां खड़ा है। लाए हो हिंदुस्तान से कोई बॉम्ब, गोला या तोप जो डोंग तक पहुंच सके? तुम्हारे उस लंगड़े मेजर का मिशन था ना कि आज के दिन जनरल डोंग को मारकर सारी दुनिया में तहलका मचाओगे। मचाओ तहलका, एनुअल डे का दिन खत्म होने को आया। वो देखो, कुछ ही देर में हिंदुस्तान की इज्जत का सूरज डूब जाएगा। मेरी सिक्योरिटी के हल्के फुल्के जाल को तोड़कर तुम अपने आप को 30 बार खां समझ रहे हो? मेरी सिक्योरिटी का असली जाल तो ये है। ये देखो, देखा डोंग कैसे हवाओं के रुख बदलता है? तू समझता है तू चोटी पर बैठा है? हवाओं का रुख तेरी तरफ है। आराम साधे, हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगती। फेंक लो जितने गोले फेंकने हैं, मुझ तक नहीं पहुंच सकते। भौंक रहा था डोंग, क्या कह रहा था? हिंदुस्तान की इज्जत का सूरज गरूब होने को है? अरे तेरी जिंदगी का सूरज गरूब होने वाला है। मरने से पहले सुन ले साले, ये तो सिर्फ 6 हिंदुस्तानियों का तहलका है। जरा सोच, 80 करोड़ उठ खड़े हुए तो तू तो क्या कुत्ते, दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाह को भागने के लिए दुनिया छोटी पड़ जाएगी। कुत्ते, हराम जादे, पिछले गांव के सिपाहियों के दमखम का पता चल गया। मारो साले को। आ,
शो 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 शामुश शाम। इसके बाद मेजर कृष्ण राव की इस छोटी सी सेना ने सिर्फ डॉली को ही आजाद नहीं कराया, बल्कि उन सभी मासूम लड़कियों को भी आजाद कराकर नई जिंदगी दी जिन्हें डोंग ने ह्यूमन बॉम्ब्स बना रखा था। बॉयज, तो टॉप सीक्रेट फाइल आपके हाथ में आ गई। यस सर। पहला पन्ना पलट कर देखा? यस। मेरा नाम है वहां पर? यस सर। और अगर ये खबर अखबारों में छप जाए तो सचमुच मुल्क में तहलका मच जाएगा ना? यस। तो ये खबर नहीं नहीं छपनी चाहिए ना? यस सर। देन गेट रेडी टू डाई। नथिंग पर्सनल, जस्ट बिजनेस। If you want to shoot, shoot. Don't talk. It's just a business. Nothing personal. Mota sala, gaddar bastard. Major Krishan Rao ki Force 5 ne agar Hindustan ko Dong jaise shaitan ki maut ka tohfa diya, to Hindustan ki sarkar ne Major Krishan Rao ko मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च सम्मान दिया और धर्म सिंह को उनका खोया हुआ गौरव। ओ, 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 ओ,